हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि दोस्तों बहुत सारे मुझे कमेंट मिले इस टाइप से कि जैसे कि मैं पेटीएम तो मैं चला रहा हूँ उसका मैं डेबिट कार्ड जैसे मेरे पिन कोई मेरा गुप्त नंबर कोई मेरा बगल वाला मेरा बंदे यानी जान गया कोई मेरा जैसे कि बगल वाला आपका बंदा कोई आपको पिन यानी गुप्त यानी आपका देख लिया यानी आपका जान गया तो आपके जैसे एटीएम कार्ड जैसे आपके घर में रखा हुआ रहता है जैसे आपका गुप्त नंबर जान गया तो आपको एटीएम कार्ड से वो पैसा निकाल सकता है तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको एटीएम कार्ड का जो पिन है जो चार अंक का जो पिन होता है जो एटीएम कार्ड का जो पिन जो आप ऑनलाइन घर बैठे आप चेंज कर सकते हैं आप पेटीएम ऐप के मदद से। तो इस वीडियो कंटिन्यू कैसे आपको चेंज करना इस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना ही चाहता हूँ आप इस वीडियो पर नए आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कैसे करना इस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए पहले इस वीडियो को लाइक करिए इस वीडियो को और यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करिए दोस्तों बेल आइकन छोटा सा घंटी दबा दीजिए और यहाँ ऑल ऊपर क्लिक कर दीजिए जैसे जो भी मेरा वीडियो होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा पहुँच जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है पेटीएम में जाइए दोस्तों पेटीएम में जाने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो इस टाइप से इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको एक नीचे में देखिए होम का ऑप्शन में शॉप का और स्कैन यानी क्यूआर कोड और एक बैंक का आपका ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप देखिए एक बैंक का ऑप्शन मिल रहा है इसको पर क्लिक करिए। इसको पर क्लिक करने में दोस्तों आपको जो आप चार अंक का जो आप यहाँ पे जो पिन जो सेट किए होंगे यानी बैंक का जो आप पिन यानी एटीएम का पिन नहीं मैं बता रहा हूँ जो आपको जो पिन यहाँ पर चार अंक का जो बैंक का ये देखिए इंटर पेटीएम बैंक पासवर्ड एंड एनी अकाउंट तो यहाँ पर चार अंक का पिन डालिए। मैं अपना पिन डाल रहा हूँ दोस्तों बैंक अकाउंट का पिन डालने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर कार्ड आएगा और बैलेंस आएगा और इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए। स्क्रॉल डाउन करते जाने के बाद दोस्तों आपको एक देखिए ऑप्शन मिलेगा मैनेज डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड तो इसके ऊपर क्लिक करिए। इसको पर क्लिक करने में दोस्तों आपको देखिए डेबिट कार्ड आ गया तो यहाँ पे चेंज एटीएम कार्ड पिन है इसके ऊपर क्लिक करिए। जो आपके जो पहले वाला जो आपको एटीएम कार्ड पिन था वहाँ पे वो इंटर कर दीजिए दोस्तों मैं अपना पहले वाला इंटर में कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इंटर करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सेट यूर न्यू एटीएम कार्ड पिन तो अपना न्यू कार्ड पिन बना लीजिए तो मैं अपना पिन बना रहा हूँ दोस्तों तो यहाँ पर फिर से कन्फर्म कर दीजिए। देखिए दोस्तों मैं अपना डाल दिया और यहाँ पे दोस्तों ये मेरा देखिए पिन क्यों नहीं ले रहा क्योंकि मैं सेम टू सेम मैं पिन डाल दिया हूँ इसीलिए मेरा पिन नहीं ले रहा तो मैं अपना दोस्तों कैंसिल करके मैं अपना एटीएम कार्ड न्यू पिन में डाल रहा हूँ। दोस्तों मैं अपना नया पिन डाल रहा हूँ मैं पिन डाल दिया और उसके बाद मैं अपना न्यू पिन मैं बना लिया हूँ और यहाँ पे देखिए न्यू पिन डालने फिर नीचे में एक सबमिट ऑप्शन आएगा सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर दीजिए पिन आपका देखिए चेंज आ गया और मेरे एसएमएस भी आ गया। देखिए मेरे पास एसएमएस भी आ गया जो मेरा पिन जो चेंज किया हूँ यहाँ पे देखिए पिन होने के बाद देखिए सक्सेसफुल हो गया पिन। उसके बाद आपको इसको फिर कट कर दीजिए देखिए मैं पिन करके मैं सक्सेसफुल बता दिया हूँ उसी टाइप से आप भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना फिर अगली वीडियो दोबारा दोस्तों।